नियो भाई बच तो, अरे जान दो भाई, किसी को ट्रोल वोल नहीं करना। बाकी वॉच पार्टी करना था गाइस मेरे को भी। अरे पीएमडब्ल्यू आएगा, वॉच पार्टी करेंगे गाइस। क्या बोलते हो गाइस, करे क्या लगता है पीएमडब्ल्यू आई में क्या होगा? मेरे हिसाब से गाइस सोल आराम से टॉप 5 तो आ जाएगी। मतलब जैसे वो लोग मार रहे, टॉप 5 तो ईजी आने चाहिए सोल वाले। और अभी गॉबलिन को भी चांस है इंटरनेशनल लेवल पे टॉप रैगर में आने का। और सोल सोल मेरे हिसाब से एटलीस्ट टॉप 5 तो आ जाएगी, और गॉबलिन आ जाएगा टॉप फ्रैगर्स में। इतना इतना तो आराम से हो जाएगा। हाँ अक्षत बेस्ट सपोर्ट में आ जाएगा, एक्टर है तो। अक्षत क्या है, एंट्री फ्रैगर में आ जाएगा। एंट्री फ्रैगर का कोई रहता नहीं ऐसा। हाँ पर अभी गॉबलिन के पास चांस है। मतलब अभी उसने इंडिया में एक बार वो क्या बीएमपीएस में टॉप फ्रैगर है, अभी वो फाइनल्स में, अभी पीएमडब्ल्यू में उसके पास चांस है, इंटरनेशनल स्टेज भी है। बाकी सब ओमेगा के ऊपर है, वो अभी कैसा खिलाता है उसकी टीम को। हम लोग के एक्सपीरियंस से तो एग्रेसिव ही खेलने चाहिए हो, फुल मारो है जो एक नॉक पुश मत करना भाई, मत बोलो कुछ फालतू में। भाई क्या बोल दिया मैं, अच्छा ही तो बोला। इंडियन टीम है अपनी, इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बीटीआर को, क्या आरएसजी को? मैं तो चाहता हूँ लोग टॉप 5 आ जाए और गॉबलिन टॉप फ्रैगर बन जाए, क्योंकि ऐसा बार बार इंटरनेशनल का चांस नहीं मिलता। पीएमडब्ल्यू में कैंपर्स क्या नहीं होते भाई, कैंपर्स वैम्पर्स मार के खेलना पड़ता है वहाँ पे। और अभी जैसे सोल का चल रहा है रन एकदम मारने वाला, जैसे इंडिया में वो मार के खेल रहे, तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल में भी मार के ही खेलेंगे। ऐसा नहीं कि वो होल्ड कर रहे कोई पोजीशन, उनको जोन चाहिएगा तो मारेंगे वो। फिर वही है कि वहाँ पे अभी हम लोग की टीम में कैसे इंटरनेशनल में जॉनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने का, एक नॉक निकाल हर मतलब फाइट में, वैसा उस पर भी रहेगा कि एक नॉक तो उसको निकालना ही पड़ेगा। सी द अपडेट एंड चेंज द गन मेटा। भाई हम तो सब चलाते, कुछ कुछ लोग यूएमपी पे डिपेंड थे बहुत, 1v3 1v4 हमको हम